पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के रेल महाप्रबंधक अनुपम शर्मा सोमवार को विशेष निरीक्षण यान से अपने वार्षिक निरीक्षण के दौरान कोडरमा स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करीब 10 मिनट तक कोडरमा स्टेशन का निरीक्षण करने के उपरांत धनबाद की तरफ रवाना हो गए। कोडरमा स्टेशन पर रेल महाप्रबंधक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण निरीक्षण है। निरीक्षण के क्रम में धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत पड़ने वाले रेलवे ब्रिज, टनल, स्टेशन परिसर की व्यवस्था एवं यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। रेल महाप्रबंधक के कोडरमा आगमन पर धनबाद रेल मंडल के रेल सलाहकार समिति के सदस्य राम रतन महर्षि ने रेल महाप्रबंधक को पत्र सौंप कर मोरियावा में अंडरपास के निर्माण, ग्रामीणों के सड़क को छोड़कर बाउंड्री वॉल का निर्माण करने एवं जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस के कोडरमा स्टेशन पर ठहराव देने की मांग की है। वहीं रेल सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य विनोद सिन्हा ने रेल महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंप कर गजंडी स्टेशन में रेल कर्मियों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए एटीएम की स्थापना करने, कोडरमा टाउन स्टेशन का नाम बदलकर कोडरमा कोर्ट करने और रेम्बा एवं राजधनवार के बीच झारखंड धाम एक्सप्रेस का ठहराव देने की मांग की है। इसके अलावा कोडरमा स्टेशन पर कार्यरत कुली के द्वारा रेलवे महाप्रबंधक को पत्र सौंप कर बताया गया है कि कोडरमा स्टेशन पर लिफ्ट लगने के बाद से उनकी आमदनी पूरी तरह से घट गई है। लोग अपने भारी भरकम सामानों को लिफ्ट के माध्यम से ट्रेन तक ले जाते हैं, ऐसे में उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन लोगों ने रेल महाप्रबंधक से कुलियों को चतुर्वर्गीय कर्मी में नौकरी देने एवं स्टेशन परिसर में विश्राम गृह और वर्दी उपलब्ध कराने की मांग की है। मौके पर धनबाद रेल मंडल के DRM आशीष बंसल, सीनियर DM LL मीना, ADN गजंडी निहाल नारायण, IOW SN प्रसाद, कोडरमा स्टेशन प्रबंधक MK महाराज, RPF निरीक्षक प्रभारी जवाहरलाल, RPF उप निरीक्षक अंकुर कुमार समेत रेल के कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। धनबाद डिवीजन का हो रहा है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है जिसमें कि GM अपने सारे प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ और DRM के साथ सेक्शन का निरीक्षण करते हैं, जिसमें कि प्लान निरीक्षण भी होता है, औचक निरीक्षण भी होता है। इसमें हम यहाँ का ट्रैक देखते हैं, यहाँ के सारे ब्रिजेस का इंस्पेक्शन करते हैं, कर्व्स का करते हैं, टनल का करते हैं कि सभी कुछ सेफ्टी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। स्टेशन का इंस्पेक्शन होता है, केबिन्स का होता है और सब गहन इंस्पेक्शन होता है डिटेल। और इसी दौरान हम पब्लिक पैसेंजर एमिनिटीज़ का भी निरीक्षण करते हैं स्टेशन पर, और जो यहाँ पर पैसेंजर्स हैं उनसे डायरेक्ट फीडबैक लेते हैं, और जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी हम डायरेक्ट संपर्क करते हैं, और यूज़र्स इंटरफेस भी हमारा होता है, कई रेलवे के यूज़र्स होते हैं तो वो हमारा इंस्पेक्शन हो रहा है। धनबाद का इस साल का इंस्पेक्शन है गया से लेके धनबाद तक, और इस दौरान हम लोग आज अभी कोडरमा आए, यहाँ पर हमने सभी जो इम्पोर्टेंट एसेट हैं रेलवे के उनका निरीक्षण किया है सभी लोगों ने, और इसी साथ साथ यहाँ पर जो हमारे रेलवे के पैसेंजर्स हैं और जो अन्य जिन्हों रेलवे के स्टेक होल्डर्स हैं इन सब से हमने फीडबैक ले लिया है, और जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो इनकी डिमांड है उसके ऊपर रेलवे ध्यान देगी। एक एक जो भी हमें आज मिला है रिप्रेजेंटेशन उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, और इस तरह ये जो है निरीक्षण अब हमारा आगे बढ़ता रहेगा। सर, रेल सुविधा संरक्षा, रेलवे की गति सीमा बढ़ाने और सबके ऊपर रेलवे कार्य कर रहा है, और उसी के संदर्भ में हम लोग ये पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और रेल का कार्य जो है हर तरफ से तेजी से चले, यही देखें। धन्यवाद। आने वाले वित्तीय वर्ष की सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।